अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान की खातून वकील जलीला हैदर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल्स का इजहार मसर्रत, कहा खुशी है कि रवां बरस की बाहिम्मत खवातीन का आलमी अवार्ड हासिल करने वाली दो खवातीन का ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। एलिस वेल्स ने कहा है कि पूरी दुनिया खवातीन का आलमी दिन ऐसी बाहिम्मत खवातीन के लिए मनाती है जिन्होंने अपनी बिरादरियों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हुए हिम्मत और अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस साल बाहिम्मत खवातीन का आलमी अवार्ड हासिल करने वाली खवातीन में बलूचिस्तान की हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून वकील जलीला हैदर भी शामिल हैं। जलीला हैदर ने खवातीन और ख़तरे से दो चार लोगों के हकूक़ के लिए काम किया। बाहिम्मत खवातीन का आलमी अवार्ड हासिल करने वाली अफगान खातून ज़रीफ़ा गफारी हैं जो 2019 में अफगानिस्तान के मैदान शहर से मेयर मुंतखब हुई। उन्होंने तालिबान की धमकियों और नाकदीन की मुखालफत के बावजूद कचरे के खात्मे के लिए क्लीन सिटी ग्रीन सिटी मुहिम का आगाज किया। ये अवार्ड गैर मामूली हिम्मत, कायदाना सलाहियत, अमन, इंसाफ और इंसानी हकूक़ के लिए खिदमात पर दिया जाता है।